नमस्कार बुलेटिन को आपन को स्वागत करुछी मु स्वागतिका। विश्वर दीर्घतम टनेल लोकार्पित होछि। हिमाचल प्रदेश रोहतांग रे आयोजित स्वतंत्र कार्यक्रम रे जोग देथिले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अटल टनेल को लोकार्पित करिसेंती प्रधानमंत्री। एक कार्यक्रम रे प्रतिरक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सीडीएस बिपिन रावत, केंद्र मंत्री अनुराग ठाकुर, हिमाचल प्रदेश रो मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, स्थलसेना मुख्य प्रमुख उपस्थित थिले। देशर पर्यटन क्षेत्र रे जोड़ी हेला आउ एक नुआ अध्याय। दुर्गम अंचल रे रहुतबा लोकंकु यातायातर सुविधा हेबो। तुषारपात जोगु 6 मास बंद रहुतबा यात्रार प्रतिबंधक टळी जायछि। 10,000 फुट उपरे निर्मित होइछि एही 9.2 किलोमीटर लंबा टनेल। यहाद्वारा एलएसी पर्यंत जीवा सहज हेबो। सेहिपरि मनाली ओ लेह कु जोड़ी अटल टनेल। मनाली ओ लेह मध्यरे ह्रास पाइब 48 किलोमीटर रास्ता। 10 वर्ष भितर प्रस्तुत होइछि एही टनेल। सेबडे प्रधानमंत्री मोदी कहिछन्ति टनेल निर्माण पूर्वतन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी स्वप्न थिला, जहां आज ही पूर्ण होइछि। जगह खत्म हो चुकी हैं, ये ऐतिहासिक अवसर है सारे देश। अभेद्य पीर पंजाल का उसको भेद कर एक बहुत कठिन संकल्प को आज पूरा किया गया है। इस महायज्ञ में अपना पसीना बहाने वाले, अपनी जान जोखिम में डालने वाले मेहनत कर जवानों को, इंजीनियरों को, सभी मजदूर भाई बहनों को आज मैं आदर पूर्वक नमन करता हूं। साथियों, अटल टनल हिमाचल प्रदेश के एक बड़े हिस्से के साथ साथ नए केंद्र शासित प्रदेश लेह लद्दाख की भी लाइफलाइन बनने वाला है। अब सही मायनों में हिमाचल प्रदेश का ये बड़ा क्षेत्र और लेह लद्दाख देश के बाकी हिस्सों से हमेशा जुड़े रहेंगे, प्रगति पथ पर तेजी से आगे बढ़ेंगे। इस टनल से मनाली और केलोंग के बीच इसकी दूरी 3-4 घंटे कम हो ही जाएगी। पहाड़ के मेरे भाई बहन समझ सकते हैं कि पहाड़ पर 3-4 घंटे की दूरी कम होने का मतलब क्या होता है। साथियों, लेह लद्दाख के किसानों, बागवानों, युवाओं के लिए भी अब देश की राजधानी दिल्ली और दूसरे बाजार तक उनकी पहुंच आसान हो जाएगी। देश में फसल एमएसपी बंद होबार प्रश्न उठुनी, यह कहते केन्द्रमंत्री धर्मेन्द्र प्रधान। भुवनेश्वर से सांबादिक सम्मेलन करी कृषि आईन सपक्ष में मत रखिंट धर्मेन्द्र कहते एही आईन बल में चाषी देशर जेकोसी स्थान में निजर सामग्री बिक्री कर चाषी से उत्पादित द्रव्यर उपयुक्त दाम पाइबे। से आईन द्वारा दलाल बा मध्यस्थी रहिबे नाही। उत्पादित सामग्रीर वर्धित सहायक मूल्य चाषी खाता को जीव। कंट्राक्ट फार्मिंग द्वारा केवल चाषी उत्पादित फसल किणी हेबो। चाषी अधिकार को अधिक गुरुत्व देउछंती केन्द्र सरकार। चाषी मानक पई एक जुगांतकारी पदक्षेप निया जाइछि बोली धर्मेन्द्र कहिछंती। मुक्त बजार व्यवस्था नीतिगत भाव में आरंभ हला। सेहिपरि उत्पादन संरक्षण एवं मार्केट व्यवस्था उपरे गुरुत्व दिया जाइछि। आत्मनिर्भर भारत योजना अवसर रे तीनोटी मूल संस्कार जो गुड़ाक एक प्रकार अनौपचारिक भाव कृषि क्षेत्र में आसी सारी से गुड़ी आईन रे परिणत करले। उत्पादन बढ़ेबा पाई कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, जमी मालिकानार अधिकार संगरे कौनसी बुझामणा न करिक कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को नीतिगत बनेमा, चाषीर स्वार्थ को सुरक्षित करिकी, जमी अधिकार को सुरक्षित करिकी, तारो उत्पादित जिनस को बजार व्यवस्था संगरे जोड़िकी उचित मूल्य देइबार व्यवस्था करिबा, से पई गोटिए सुधार अणागला। स्टोरेज फैसिलिटी
एसेनसीआल कमोडिटी एक्ट मुझे गोटे पृष्ठभूमि कह जत सब आईन गुड़िकला से गुटबले देश में एग्रिकल्चरल प्रड्यूसर स्कर्सीटी थी अभाव थिला तेणु लोक मिलू ठीक मूल्य मिलू चाषी को मूल्यर ग्यारंटी हो यही नियम गुड़िक बना जाता कि आज सतुरी दशक पर सतटी दशंधि पर देशर कृषक माने पर्याप्त मात्रा रे उत्पादन करला बेले तांकर मूल्य मिलूना से कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हो परवर्ती अवस्था एसेंशियल कमोडिटी एक्ट को परिवर्तन करके लाइसेंस राज को बंद करवा हो सर्वशेष रेगुलेटेड मार्केटिंग मेकानिजम जोटा थिला एपीएमसी थिला एपीएमसी रहिबो राज्य माने चाहिले एपीएमसी ताकु बरकरार रखी परिवे एपीएमसी रो विकल्प परे मुक्त बाजार व्यवस्था करिवार योजना को नीतिगत भावे आरंभ करा गला ताद्वारा उत्पादन स्टोरेज प्रोडक्शन स्टोरेज और मार्केटिंग फ्रीडम ये तीनोटी जाक फ्रीडम ये सुधार करिबा सह देशरे 10,000 नुआ फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन तयारी करिकी चासी मानक द्वारा ये कंपनी मार्केट संगे जोड़ी हबा एग्रीगेटर मानक संगे जोड़ी हबा स्पोंसरर मानक संगे जोड़ी हबा रोडे व्यवस्था आनगला। आजि गृह आरंभरु कांग्रेस सदस्यक हो हल्ला उत्तर प्रदेश गण दुष्कर्म घटना को नहीं गृह रे कांग्रेस सदस्यक प्रतिवाद योगी मोदी विरोधी स्लोगान देखिले विधायक गृहर मध्यभाग को आसी कांग्रेस सदस्य प्रतिवाद करिथिले कांग्रेस विधायक दल नेता नरसिंह मिश्र अभियोग करिथिले जे राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को माड़ मरा जायछि एवं गिरफ करा जायछि सेपटे उत्तर प्रदेश गण दुष्कर्म प्रसंगे प्रतिक्रिया रखी बीजेडी विधायक स्नेहांगिनी छुरिया कहते जे घटना को आमे निंदा करुछु उत्तर प्रदेश पुलिस और प्रशासन योगी सरकार हाथ बारिश साजिश जिलापा बृत्ति बदल चाप पकाउछन्ति दलित महिला तुरंत न्याय आम दावी करुछु नहले महिला राजरास्ता को ओह्लैबे आंदोलन दिल्ली जाए जीवंत स्नेहांगिनी छुरिया हट्टगोल पर गृह को अपराह तीनटा जाए मुलतवी घोषणा करपति आज गृह उत्तर प्रदेश हाथरस घटना को लेकिन टुंडी तोफान देखा मिलता गृह आरंभ कांग्रेस सदस्य हो हल्ला करते उत्तर प्रदेश गण दुष्कर्म घटना को नहीं गृह कांग्रेस सदस्य प्रतिवाद करते योगी मोदी विरोधी स्लोगान देते कांग्रेस विधायक गृहर मध्यभाग को आसी हो हल्ला करते प्रतिवाद करते कांग्रेस विधायक दल नेता जी रही नरसिंह मिश्र अभियोग करते राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को माड़ मरा सहित गिरफ्तारी सेपटे उत्तर प्रदेश गण दुष्कर्म प्रसंगे प्रतिक्रिया रखिंट बीजेडी विधायिका स्नेहांगिनी छुरिया एवं यह घटना को तीव्र निंदा करसहित आगामी दिन में महिला मैंने राजरास्ता को ओह्लैबे एपरिकी दरकार पड़े दिल्ली जाए आंदोलन करेंगे स्नेहांगिनी छुरिया उत्तर प्रदेश गण दुष्कर्म प्रसंगे प्रतिक्रिया रखिंट कि उत्तर प्रदेश पुलिस और प्रशासन योगी सरकार हाथ बारिश साजिश अनेपटे जिलापा बृत्ति बदल चाप पकाउं दलित महिला तुरंत न्याय से आम दावी करुछ नहले राजरास्ता को ओह्लैबू हट्टगोल पर गृह को अपराह तीनटा पर्यंत मुलतवी घोषणा करपति आज गृह देखा मिलता उत्तर प्रदेश जो भाव दुष्कर्म एवं हत्या घटना देखा मिलता दलित महिला को जो भाव में न्याय दाबी आज कांग्रेस सदस्य मैंने प्रतिवाद करते नाराबाजी करते मोदी एवं योगी विरोधी स्लोगान देते कांग्रेस विधायक मैंने गृह मध्यभाग को आसी फोल पुलिस प्रशासन तांकर हाथ बारिश भाव में काम कर गोटे महिला को न्याय देवारे एते से माने हैरान हरकत करुछंती आज गणबलात्कार
ମହିଳାଟା ଏତେ ଅମାନୀୟ ଭାବରେ ତାର ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା, ତାର ପରିବାରକୁ ଆଜି ସେଇଠାରେ ରହିପାରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଉନି, ତାକୁ ଏତେ ହଇରାଣ ହରକତ କରାଯାଉଛି। ମୁଁ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ଖଣ୍ଡନ କରୁଛି, ନିନ୍ଦା କରୁଛି, ପ୍ରତିବାଦ କରୁଛି ଏବଂ ପ୍ରଶାସନ ହାତବାରିସି ନ ହୋଇ ସେ ମହିଳାକୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବାରେ ତାଙ୍କର କାମ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଯେତେଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇ ମହିଳା ଦଳିତ ମହିଳା ଆଜି ଯଦି ନ୍ୟାୟ ନ ପାଇଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମେ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଉଠିବୁ। ସମସ୍ତ ଦଳିତ ମହିଳାମାନେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆମେ ବାହାରିବୁ, ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଆସିବୁ, ପ୍ରତିବାଦ କରିବୁ ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ଆନ୍ଦୋଳନ, ଏଇ ପ୍ରତିବାଦ ଆଜି ଏଇଠୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, ଏହା ଦିଲ୍ଲୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ। ଦିନକୁ ଦିନ ଅଧିକ ବ୍ୟାପକ ହେଉଛି ହାଥରସର ନିଆଁ। ଏହି ମାମଲାରେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଅଡୁଆରେ ଯୋଗୀ ସରକାର ସବୁ ଦିଗରୁ କଡ଼ା ସମାଲୋଚନା ହେବା ପରେ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ଘର ପାଖରୁ ହଟିଛି ସମସ୍ତ ବ୍ୟାରିକେଡ୍। ପୋଲିସ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କୁ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଭେଟିବାକୁ ଦେଇଛି। ଏହାପରେ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ପରିବାର କହିଛନ୍ତି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟିମ୍ ଦ୍ୱାରା ମାମଲାର ତଦନ୍ତ କରାଯାଉ। ତେବେ ଏସ୍ଆଇଟି ଓ ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତକୁ ଖାରଜ କରିଛନ୍ତି ପରିବାର ଲୋକେ। ଏମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କର ଏସ୍ଆଇଟି ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି। ସେପଟେ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଭେଟିବାକୁ ଆଜି ପୁଣି ଯିବେ କଂଗ୍ରେସର ପ୍ରତିନିଧି ଦଳ। ଦଳର ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧି ଏବଂ ପ୍ରିୟଙ୍କା ଗାନ୍ଧିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ କଂଗ୍ରେସର କେତେକ ସାଂସଦ ଆଜି ହଥରାସ ଅଭିମୁଖେ ବାହାରିବେ। ଦିନ ଗୋଟାଏ ବେଳେ 10 ଜନପଥରୁ ଏମାନେ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ଗୁରୁବାର ପ୍ରିୟଙ୍କା ଏବଂ ରାହୁଲ ହଥରାସ ଅଭିମୁଖେ ଯିବାବେଳେ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଟକାଇଥିଲା ପୋଲିସ। ଏହା ବିରୋଧରେ କଂଗ୍ରେସ ସାରା ଦେଶରେ ବିରୋଧ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛି। ହଥରାସ ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ ଏବଂ ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ ଜୋର ଧରିବାର ଲାଗିଛି। ଆଜି ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କୁ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ଭେଟିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇଛି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଏହି ଗାଁକୁ ଯାଉଥିବା ସବୁ ରାସ୍ତାକୁ ସିଲ୍ କରାଯିବା ସହିତ ପୋଲିସ କର୍ମୀଙ୍କୁ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଇଥିଲା। ଏପରିକି ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କରିବାକୁ ବାରଣ କରାଯାଇଥିଲା। ହାଥରସର ନୂଆ ଏସ୍ପିଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ସୁମିତ ଶର୍ମା। हाथरस में दुष्कर्म पीड़िता की बात लगातार राजनीति तेज है। आज राहुल गांधी के आने की बात कही जा रही है। वहीं हाथरस में दे दुष्कर्म पीड़िता के परिवार से ACS होम और DGP मिलने जाएंगे। हेलीकॉप्टर से कुछ ही देर में पुलिस लाइन में आने वाले। हमारे साथ मौजूद है नवागत SP विनीत जायसवाल। उनसे जानेंगे क्या उनकी प्राथमिकता रहेंगी। विनीत सर, आपको मुख्यमंत्री ने आपके ऊपर भरोसा जताया है जनपद हाथरस में जो माहौल खराब है, क्या प्राथमिकताएँ आपकी रहेंगी अभी? देखिए, जस्ट अभी मैंने ज्वाइन किया है, पहले मुझे यहाँ की परिस्थितियाँ समझनी होंगी और जो भी मामला यहाँ पे चल रहा है विधि सम्मत उसमें कार्रवाई हो और जो दोषी हैं उनके खिलाफ़ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो और जो पीड़ित परिवार है उसको पूरा आश्वासन मिले, पूरी सुरक्षा मिले। फिलहाल तो यही प्राथमिकता है। बाकी अभी सीनियर अधिकारी यहाँ आने वाले हैं, उनके साथ भी अभी गाँव पर हम जाएंगे, फिर वहाँ की परिस्थितियाँ जैसी होंगी उसके हिसाब से फिर बाद में निर्णय लिया जाएगा। देखिए वीर जी, एक सबसे बड़ी बात यह है इसमें कि लगातार 3 दिन से मीडिया को पीड़ित परिवार से मिलने से रोका जा रहा था और इसी बात को लेकर पीड़ित परिवार में भी आक्रोश था। तो आप जब यहाँ पर आपने ज्वाइन किया है तो आपकी क्या प्राथमिकताएँ रहेंगी, क्या मीडिया को मिलने जाने दिया जाएगा? देखिए, अभी ऐसी जानकारी मुझे यहाँ हुई नहीं है। मैंने कहा कि जैसे जस्ट मैंने अभी ज्वाइन किया है, अब यहाँ के लोगों से मैं बातचीत शुरू करूँगा, अधिकारियों से बातचीत शुरू करूँगा और जैसा कि अभी मैं मौके पर जब जाऊँगा तब चीज़ें ज़्यादा क्लियर होंगी कि वहाँ पर क्या परिस्थितियाँ हैं और फिर उस हिसाब से जो है आगे का निर्णय दिया जाएगा। जैसा आप देख रहे हैं, सबसे पहले न्यूज़ 18 आपसे नवागत SP विनीत जायसवाल से बात की है, उन्होंने स्पष्ट कहा है कि मैंने अभी यहाँ ज्वाइन किया है, चीज़ों को समझ रहा हूँ, अच्छे से जान रहा हूँ, उसके बाद जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। जब हमने मीडिया के बारे में जानकारी की तो उन्होंने कहा कि मैं अधिकारियों से बात करूँगा, कोशिश करूँगा पूरी तरह से कि मीडिया भी उनसे मिल पाए। सुमित शर्मा, न्यूज़ 18, हाथरस। ବେପରେ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି 3053 କରୋନା ପଜିଟିଭ୍। ରାଜ୍ୟରେ ଆଜି ଆଉ 3053 କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ରୁ 1804 ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରୁ 1249 ପଜିଟିଭ୍। ରାଜ୍ୟରେ କରୋନା ପଜିଟିଭ୍ ସଂଖ୍ୟା 2,29,387କୁ ବୃଦ୍ଧି। ରାଜ୍ୟରେ କରୋନାରୁ 1,94,128 ସୁସ୍ଥ, 34,314 ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅଛନ୍ତି। ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ ସର୍ବାଧିକ 561, କଟକରୁ 256 କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେହିପରି ଅନୁଗୁଳରୁ 64, ବାଲେଶ୍ୱରରୁ 85, ବରଗଡ଼ରୁ 98, ଭଦ୍ରକରୁ 70, ବଲାଙ୍ଗୀରରୁ 95, ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରୁ 146, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ 115, ପୁରୀରୁ 127, ସମ୍ବଲପୁରରୁ 123, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରୁ 98 ପଜିଟିଭ୍ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି।
ବୃଦ୍ଧି ସହିତ 17 ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ ନେଇଛି କିଲର ଭାଇରସ୍। ରାଜ୍ୟରେ ଆଜି ଆଉ 17 ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ ନେଇଛି କରୋନା ଭାଇରସ୍। ରାଜ୍ୟରେ କରୋନା ଜନିତ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା 892କୁ ବୃଦ୍ଧି। ବାଲେଶ୍ୱର ଏବଂ ଢେଙ୍କାନାଳରୁ 3 ଜଣ ଲେଖାଏଁ ମୃତ। ଜଗତସିଂହପୁର, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ପୁରୀରୁ 2 ଜଣ ଲେଖାଏଁ ମୃତ। ଭଦ୍ରକ, ଗଞ୍ଜାମ, ଯାଜପୁରରୁ ଜଣେ ଲେଖାଏଁ ମୃତ। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଏବଂ ନୟାଗଡ଼ରୁ ଜଣେ ଲେଖାଏଁ ମୃତ। ଆଜି ଯଦି ଦେଖିବା କି 3053 ଆକ୍ରାନ୍ତ ଗୋଟେପଟେ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟପଟେ ଯଦି ଦେଖିବା ଯେଭଳି ଭାବରେ 17 ଜଣ ଆଖି ବୁଜିଛନ୍ତି କରୋନାରେ, ଅର୍ଥାତ୍ ରାଜ୍ୟରେ କରୋନାରେ 17 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ତେବେ କଟକରେ ଯେଭଳି ଭାବରେ ପଜିଟିଭ 256 ରହିଛି, ଅଧିକ ଅପଡେଟ୍ ପାଇଁ କଟକ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛି ନା ପ୍ରତିନିଧି ନବେଶ ମହାନ୍ତି। ନବେଶ, ଆଜି ଯେଭଳି ଭାବରେ ପଜିଟିଭ ସଂଖ୍ୟା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି, କିନ୍ତୁ କଟକରୁ ଦେଖିବା କି 256 ପଜିଟିଭ ବାହାରିଛନ୍ତି, ଆମେ କହିପାରିବା କି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅନ୍ୟ ଦିନ ଅପେକ୍ଷା ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଟିକେ ସଂଖ୍ୟା କମ୍, ଏବଂ ଇଏ ଗୋଟେ ଆଶ୍ୱସ୍ତିକର ଖବର ବୋଲି? ତେବେ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ତ୍ରୁଟି ରହିଛି, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଫେରୁଛୁ। ଆଜି ରାଜ୍ୟରେ 3053 ଜଣ କରୋନା ପଜିଟିଭ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ସଂଗ୍ରହରୁ ଦେଖିବା କି 1804 ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରୁ 1249 ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି, ଏବଂ ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ ଯଦି ଦେଖିବା କି ସର୍ବାଧିକ 561 ଜଣ ଆକ୍ରାନ୍ତ ରହିଛନ୍ତି। କରୋନା କବଳରେ ଭାରତ 7 ମାସ ହେଲା କଲବଲ କରୁଛି କରୋନା। ପ୍ରଥମେ 1 ଅଙ୍କ, ପରେ 2 ଅଙ୍କ, ଆଉ ପରେ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ପ୍ରତିଦିନ ପଜିଟିଭ ଚିହ୍ନଟ ହେଉଛନ୍ତି। ସେହିପରି ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଦେଶରେ ଚିନ୍ତାଜନକ। ଗତ 24 ଘଣ୍ଟାରେ  1069 ଜଣ କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ଜୀବନ ଯାଇଛି, ଆଉ ଏଥିସହିତ ଦେଶରେ କରୋନା ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା 1,842 ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଛି। ଏଯାଏ ବିଶ୍ୱରେ କରୋନା ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା 1,32,709 ରହିଥିବା ବେଳେ କେବଳ ଭାରତରେ ଏହି ସଂଖ୍ୟା ରହିଛି 1,842, ଯାହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଚିନ୍ତାଜନକ। ଏପଟେ ଗତ 24 ଘଣ୍ଟାରେ 79,476 କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏଥିସହିତ ଦେଶରେ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 64,73,545 ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଛି। ସେହିପରି ଦେଶରେ ସୁସ୍ଥଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 54,27,706 ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଛି। ଦିନକରେ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି 75,628 ଜଣ। ତେବେ ଏବେ ବି 944,996 ରୋଗୀ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରକୁ, ଓଟିଭି ଏମ୍ଡିଙ୍କ ନାଁରେ ମାମଲା। ଜମି ଜବରଦଖଲ ଅଭିଯୋଗରେ ନୟାଗଡ଼ ବାଘମାରୀ ଥାନାରେ ଓଟିଭି ଏମ୍ଡି ଜଗିମଙ୍ଗତ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ନାଁରେ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଛି। ଓଟିଭି ଏମ୍ଡିଙ୍କ ବାପା ଏବଂ ଭାଇଙ୍କ ନାଁରେ ବି କେସ୍ ହୋଇଛି। ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଆଧାରରେ ମାମଲା ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଏସ୍ସିଏସ୍ଟି ଆଇନ 2BA ଆଧାରରେ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଲୋକଙ୍କୁ ଜମିକୁ ବାଟ ନ ଛାଡ଼ିବା ଏବଂ ଧମକ ଚମକ ଦେବା ନେଇ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ନିକଟରେ ଫେରାଦ ହୋଇଥିଲେ ସାରୁଅ ଗ୍ରାମବାସୀ, ଏବଂ ଅଭିଯୋଗ ଆଧାରରେ ସେଠାରେ ମାପଚୁପ କରିଥିଲା ପ୍ରଶାସନ। ରିଲାଏନ୍ସ ରିଟେଲରେ ଟିପିଜି ଏବଂ ଜିଆଇସିର ନିବେଶ। ରିଲାଏନ୍ସ ରିଟେଲରେ 1837.5 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖଟାଇବ ଟିପିଜି। ରିଲାଏନ୍ସ ରିଟେଲର 0.41% ଅଂଶଧନ କିଣିବ ଟିପିଜି। ରିଲାଏନ୍ସ ରିଟେଲରେ 5,512.5 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖଟାଇବ ଜିଆଇସି। ରିଲାଏନ୍ସ ରିଟେଲର 1.22% ଅଂଶଧନ କିଣିବ ଜିଆଇସି। ପୂର୍ବରୁ ରିଲାଏନ୍ସ ରିଟେଲରେ 6,247.5 କୋଟି ଟଙ୍କା ନିବେଶ କରିଛି ମୁବାଦଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ରିଲାଏନ୍ସ ରିଟେଲରେ 6 କମ୍ପାନୀ ନିବେଶ କଲେଣି। ପୂର୍ବରୁ ଜିଓରେ 4,546.80 କୋଟି ଟଙ୍କା ନିବେଶ କରିଛି ଟିପିଜି। ସାରା ଦେଶରେ ରିଲାଏନ୍ସ ରିଟେଲର 12,000 ଷ୍ଟୋର ରହିଛି। ବାର୍ଷିକ ହାରାହାରି 64 କୋଟି ଲୋକ ରିଲାଏନ୍ସ ଷ୍ଟୋରକୁ ଆସିଥାନ୍ତି। ଆର୍ଆର୍ଭିଏଲ୍ରେ ମୋଟ ପୁଞ୍ଜିନିବେଶର ପରିମାଣ 32,197.5 କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଗତକାଲି କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଥିବା ନେଇ ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ। କୋଭିଡ୍ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଆମେରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କୁ ଆର୍ମି ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ତାଙ୍କୁ କରୋନାର ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା ଦିଆଯାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତେବେ ସେ ହ୍ୱାଇଟ୍ ହାଉସ୍ ଛାଡ଼ିବା ପୂର୍ବରୁ ଏକ ଭିଡ଼ିଓ ମେସେଜ୍ ଜାରି କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ସେ ସୁସ୍ଥ ଥିବା କହିଛନ୍ତି। ଟ୍ରମ୍ପ ଏବଂ ତାଙ୍କର ପତ୍ନୀ ମେଲାନିଆ କରୋନା ପଜିଟିଭ୍ ଚିହ୍ନଟ ହେବା ପରେ ପ୍ରଥମେ ଆଇସୋଲେସନ୍ରେ ଥିଲେ, ତେବେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ପରେ ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କୁ ଆର୍ମି ହସ୍ପିଟାଲକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି। ଆଗାମୀ କିଛି ଦିନ ଧରି ତାଙ୍କର ସେଠାରେ ଚିକିତ୍ସା ଚାଲିବ।
पूरी कोणार्क रास्तार सिद्ध महावीर लेवल क्रसिंग ओभरब्रिज निर्माण पर जमि अधिग्रहण प्रक्रिया आरंभ हो विस्थापित होगा स्थानीय बासिंदा सहित एने आलोचना कर प्रशासन निकट में चारोटि दावी रखिंट स्थानीय लोके ओभरब्रिज निर्माण पर 2.66 एकर जमीर आवश्यकता रही सेपरि दुई पार्श्वे आप्रोच रोड निर्माण पर 80 फुट चौड़ार जमि अधिग्रहण हो प्रस्तावित प्रकल्प अंचल बालुखंड कुमुटीपाटना माटियापड़ा और सिद्ध महावीर मौजार 128 प्लट रही घरबाड़ी पुरतन पड़िया रास्ता देवस्थली जलाशय और घर अच्छी चारोटी टीम घर को घर बुली सर्वे करुछंती कोणार्क काकटपुर गोप निमापड़ा एवं जगत सिंहपुर जिला को संजोग करुथबा एक गुरुत्वपूर्ण रास्तारे ओभरब्रिज न थिबारु दिन को 8 घंटा ट्राफिक जाम हेउछि। मोर किंतु मूलर दाबी होउछि जे ओभरब्रिज हो मो ओभरब्रिज जमा विरोध नै ओभरब्रिज हो मु किंतु लोकमानकु लेकर जाइथिले लोक एथिमै जे जो 300 दोकानी क्षतिग्रस्त होती आज जो लोक असुविधा होती ये मंदिर भाई पैकेज दिजो मोर है एति कथा आउ किछि नाही। जो ओभरब्रिज हाँपी आम एक क्रियानुष्ठान कमिटी गठन करूँ प्रथम 2018 सेप्टेम्बर मसीह जिलापाल जरिए समस्त विभाग जो जो विभाग दरकार जो जो मंत्रणालय दरकार समस्त को लिखित चिठी देलु ता 2019 मसीह पार्लियामेंट पारित होगा और जमी अधिग्रहण प्रक्रिया जो आरंभ हो स्वागत करुँ एवं आउ गोटे कथा आपण माध्यम रे सरकार को अनुरोध करने चाहूँ जपरि भाव में श्रीमंदिर चतुर्पाश्वर जमी अधिग्रहण करागला एवं जपरि भाव में संतोषजनक टंका तार अर्थराशि दिगला एटी से भाव दि जाऊ समस्त आम अनुरोध करमती पुरी में अन्य प्रोजेक्ट है पूरी जनसाधारण आमको बहुत सहयोग कर ये गोटे बहुत भल प्रोजेक्ट ये प्रोजेक्टा आमर सेपटू कोणार्क सैड्रु जो मैंने आसुच्चे पूरी मंदिर आड़ से माने जो रेलवे ब्रिज फाटक रोची से बहुत समय धरी रही होता हेले टूरीजम डेवलपमेंट जेहेतु पूरी इकोनोमी इज टूरिस्ट बेस्ट टूरीजम बेस्ट तेणु से माने आसीबापाई सुविधा हो पार एवं से विषय विस्तृत आलोचना होता आलोचना हो गवर्नमेंट अफ इंडिया गोटे टीम आसी तार टेक्निकल कमिटी अलरेडी एग्जामिन करके से फाइनाल हो जाए तार अलाइनमेंट फाइनाल। केन्द्रापड़ा जिला राजनगर तालचुआ फेरीघाट निकट एक विराट बौला कुंभीर देखा मिली नदी में पहरुवा एक कुंभीरटी कूल में लगी एक मृत कुकुर को खावाई झांपी नहीं दृश्य देखापी रास्ता उपर लोकों भिड़ जमी खाद्य और खादकर यह दृश्य देख तार मजा नहीं लोके आउ केतेक विराट कुंभीर को देख भयभीत हो पड़े से भिजुआल आप देखिपुट किभ भाव में एक विराटकाय कुंभीर और देखिए कि केन्द्रापड़ा जिला राजनगर तालचुआ फेरीघाट निकट एक विराट बौला कुंभीर देखा मिली से ही चित्र आप देखिपुट एक विराटकाय कुंभीर एक मृत कुकुर को झांपी नौ खावापी जहां देखा प्रबल लोक भिड़ जमी कि लोक एत बड़ कुंभीर को देख भयभीत हो पड़े समाज सोची बुलेटिन को एट रखिबा नमस्कार।